हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई एजुकेशन। वाईफाई एजुकेशन की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट कंप्यूटर अवेयरनेस के निचोड़ का पार्ट सेकंड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 60 सबसे महत्वपूर्ण ऑपरेशन एमएस वर्ड से। इसके पहले वाले पार्ट में हमने एमएस ऑफिस से जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते थे उनको डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो भी देख सकते हैं। कंप्यूटर अवेयरनेस के निचोड़ के नाम से अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है, आप पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इस सीरीज़ में वही क्वेश्चन इंक्लूड किए जाते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आप इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें कंप्यूटर अवेयरनेस का सेक्शन आता है, आप अपने एग्ज़ाम में 70% से ज़्यादा क्वेश्चंस इस सीरीज़ से देखेंगे। यानी कि मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन कंप्यूटर अवेयरनेस के आते हैं, तो अपने एग्ज़ाम में आप 14 से 15 क्वेश्चन इस सीरीज़ से देखेंगे। अब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ लाइव जुड़ सकें। अब ज़्यादा विलंब ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितनी कर सकते हैं हम? आपके ऑप्शन है 400%, 500%, 600% और नन ऑफ दिस। जो भी ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग सही है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जो जूम परसेंटेज मैक्सिमम है एमएस वर्ड में वो है 500%, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन, 500%। अगर यहाँ पर मैक्सिमम ना पूछ कर यहाँ पर पूछ लेते मिनिमम जूम परसेंटेज कितना है एमएस वर्ड का, उसका आंसर क्या होता है? उसका आंसर होता है 10%। 10% मिनिमम है, मैक्सिमम है 500%। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट एंड साइज़ इन एमएस वर्ड 2007। 2007 में जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट एंड साइज़ है वो कौन सा है? आपके ऑप्शन है 11 पॉइंट कैलिबरी, 12 टाइम्स न्यू रोमन, थर्ड ऑप्शन है 13 पॉइंट कैलिबरी, नन ऑफ दिस। एमएस वर्ड का जो 2007 का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट एंड साइज़ है वो है 11 पॉइंट कैलिबरी, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन, 11 पॉइंट कैलिबरी। अगर यहाँ पर 2007 का नाम पूछकर 2003 का पूछ लेते तो क्या आंसर होता? उसका आंसर होता 12 टाइम्स न्यू रोमन। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, सो याद रखिए। अगर पूछा जाए 2007 वाला कौन सा है, उसका तो आंसर होगा 11 पॉइंट कैलिबरी। अगर यहाँ पर 2003 वाला पूछा जाए तो आंसर होगा 12 टाइम्स न्यू रोमन। दोनों में कन्फ्यूज़ नहीं होना है, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मैक्सिमम साइज ऑफ फाइल कैन ओपन इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में हम मैक्सिमम कितने साइज़ की फाइल है जो ओपन कर सकते हैं, मैक्सिमम साइज़ पूछा है एमएस वर्ड के लिए। आपके ऑप्शन है 512 MB, 256 MB, 724 MB और नन ऑफ दिस। एमएस वर्ड में हम मैक्सिमम जो फाइल साइज़ है वो ओपन कर सकते हैं 512 MB का, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन, 512 MB। अगर यहाँ पर मैक्सिमम साइज़ पूछते ओनली टेक्स्ट, इसमें तो सब कुछ इंक्लूड है 512 MB में, कोई वीडियो है, ग्राफिक्स हैं, कोई PNG फाइल है, सभी कुछ इंक्लूड है इस MS वर्ड 512 MB वाली साइज़ में। बट अगर यहाँ पर पूछ लेते टेक्स्ट फाइल को हम कितने MB तक ओपन कर सकते हैं, उसका आंसर क्या होता? उसका आंसर होता 32 MB, 32 MB मैक्सिमम है टेक्स्ट के लिए। अगर उसमें इंक्लूड है वीडियो, ग्राफिक्स वगैरह, तो हमारा आंसर होगा 512 MB। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, सो याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, टाइप फेस ऑप्शन विल कम अप अंडर विच मेन्यू। जो टाइप फेस ऑप्शन है ये किस मेन्यू के अंडर आता है? आपके ऑप्शन है फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, नन ऑफ दिस। जो टाइप फेस का ऑप्शन होता है ये होता है फॉर्मेट मेन्यू में, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन, फॉर्मेट मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ गटर मार्जिन। गटर मार्जिन क्या है? आपके ऑप्शन है लेफ्ट साइड मार्जिन, राइट साइड मार्जिन, बाइंडिंग साइड मार्जिन, नन ऑफ दिस। जल्दी से आंसर बताइए इसका। गटर मार्जिन है जो बाइंडिंग साइड का मार्जिन है, उसे कहते हैं हम गटर मार्जिन, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन, गटर मार्जिन है बाइंडिंग साइज ऑफ मार्जिन, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन, बाइंडिंग साइड मार्जिन। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है, सो याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच शॉर्टकट की इज़ यूज्ड फॉर लाइन ब्रेकिंग। कौन सी शॉर्टकट की है यूज़ की जाती है लाइन ब्रेकिंग के लिए? आपके ऑप्शन है शिफ्ट प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस एंटर, एंटर ओनली और नन ऑफ दिस। जो लाइन ब्रेकिंग के लिए शॉर्टकट की यूज़ होती है वो है शिफ्ट प्लस एंटर, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन, शिफ्ट प्लस एंटर। अगर यहाँ पर लाइन ब्रेकिंग ना पूछकर ये पूछ लेते पेज ब्रेकिंग के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है, उसका आंसर क्या होता? उसका आंसर होता कंट्रोल प्लस एंटर। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, सो याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन्थ नंबर क्वेश्चन, हाउ टू इंसर्ट अ न्यू पेज इन एमएस वर्ड इन बिटवीन द पेजेस। दिए गए चार ऑप्शन में से
कौन सी शॉर्टकट की हम यूज़ करते हैं अगर हम न्यू पेज को इंसर्ट करना चाहते हैं बिटवीन द पेजेस। याद रखिए यहाँ पर बिटवीन द पेजेस की बात की गई है, आप कन्फ्यूज नहीं होना है। एमएस वर्ड में हम अगर न्यू पेज को ऐड करना चाहते हैं बिटवीन द पेजेस तो हम शॉर्टकट की प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस एंटर, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन, कंट्रोल प्लस एंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8th नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स ऐड इन एमएस वर्ड 2007 के एमएस वर्ड के सॉफ्टवेयर में हम कितने मैक्सिमम कॉलम हैं वो ऐड कर सकते हैं। आपके ऑप्शन है 45, 63, 72 और 39। 2007 के वर्ड में हम कर सकते हैं 63, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन 63। अगर यहाँ पर 2007 की जगह पूछ लेते 2003 में कितने कर सकते हैं तो उसका आंसर क्या होता, उसका आंसर होता 45 कर सकते थे हम 2003 में, बट इन्होंने पूछा है 2007 में तो हम कर सकते हैं 63। आई होप आपने सही अटैम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9th नंबर क्वेश्चन, विच कलर वेवी लाइन डिनोट्स द स्पेलिंग मिस्टेक। आपके ऑप्शन है ग्रीन, रेड, येलो और नन ऑफ दिस। अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो हमें कौन सी जो वेवी लाइन डिनोट करती हैं, आपके ऑप्शन है ग्रीन, रेड, येलो और नन ऑफ दिस। अगर एमएस वर्ड में कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो उसके लिए जो वेवी लाइन डिनोट करती हैं उसके लिए डिनोट करती हैं रेड वेवी लाइन, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन, रेड वेवी लाइन। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। उसके बाद 2-3 और क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में ग्रामर मिस्टेक के लिए। अगर हमारे जो वर्ड की डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है उसमें ग्रामर में कोई मिस्टेक है तो कौन सी वेवी लाइन आती हैं उसके लिए वेवी लाइन जो डिनोट करती हैं ग्रीन कलर वेवी लाइन, ग्रीन कलर वेवी लाइन डिनोट करती हैं ग्रामर मिस्टेक के लिए। और कॉन्टेक्चुअल एरर होता है अगर तो उसके लिए कौन सी जो एरर दिखाता है वेवी लाइन का वो है ब्लू, ब्लू कलर वेवी लाइन डिनोट करती हैं कॉन्टेक्चुअल एरर को। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तीनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक के लिए रेड, ग्रामर मिस्टेक के लिए ग्रीन और कॉन्टेक्चुअल एरर के लिए ब्लू कलर वेवी लाइन, तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं सो याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10th नंबर क्वेश्चन, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है, आपके ऑप्शन है कंट्रोल प्लस इक्वल टू, कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, प्लस साइन और नन ऑफ दिस। सबस्क्रिप्ट तो आप जानते ही होंगे क्या होता है सबस्क्रिप्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिख लिया H2O, जो ये ओ टू लिखा गया है इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। एक वर्ड होता है सुपरस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट होता है जैसे फॉर एग्जांपल एक्स का स्केयर लिख लिया हमने, जो ये टू लिखा है इसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। इन्होंने पूछा है सबस्क्रिप्ट, इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रेस की जाती है सबस्क्रिप्ट के लिए, यानी कि जो यहाँ पर हमने लिखा है H2O इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे हम। आपके ऑप्शन है कंट्रोल प्लस इक्वल टू, कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, प्लस साइन, नन ऑफ दिस। इसके लिए जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस इक्वल टू, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन, कंट्रोल प्लस इक्वल टू। अगर यहाँ पर सबस्क्रिप्ट ना पूछकर ये पूछ लेते सुपरस्क्रिप्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, प्लस साइन। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है सो याद रखिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, प्लस साइन। काफ़ी बारी ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सो याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11th नंबर क्वेश्चन, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप इज आर डैश। जो पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप हैं ये क्या हैं, आपके ऑप्शन हैं पेज रिप्लेसमेंट, पेज एडिशन, पेज ओरिएंटेशन और नन ऑफ दिस। जो पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप हैं ये ऑप्शन है पेज ओरिएंटेशन के, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन, पेज ओरिएंटेशन। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है सो याद रखिए, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप हैं एक पेज ओरिएंटेशन, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12th नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द बाय डिफॉल्ट मार्जिन इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर 2007। 2007 के लिए एमएस वर्ड का जो मार्जिन होता है वो कितना होता है, बाय डिफॉल्ट पूछा है याद रखिए, बाय कस्टमाइज हम चेंज कर सकते हैं बट इन्होंने बाय डिफॉल्ट पूछा है। आपके ऑप्शन है 1 इंच, 1.25 इंच, 1.5 इंच और नन ऑफ दिस। 2007 के जो वर्जन में बाय डिफॉल्ट मार्जिन का जो इंच में मार्जिन है वो है 1 इंच, चारों साइड से 1-1 इंच का मार्जिन होता है, यानी कि लेफ्ट, बॉटम, राइट और टॉप, चारों साइड से 1-1 इंच का मार्जिन होता है सो याद रखिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन, 1 इंच। अगर यहाँ पर 2007 का नाम पूछकर 2003 का पूछ लेते तो क्या आंसर होता, उसका आंसर होता टॉप और बॉटम में 1-1 इंच होता है और लेफ्ट राइट में होता है 1.25 इंच, यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड में होता है 1.25 और टॉप और बॉटम में जो मार्जिन होता है वो होता है 1-1 इंच का।
दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जाएंगे, सो याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13th नंबर क्वेश्चन, विच शॉर्टकट की इज़ यूज फॉर लाइन ब्रेक। अगर हम लाइन को ब्रेक करना चाहते हैं, कोई लाइन लिख रहे हैं मान लीजिए, हम उसको हम ब्रेक करना चाहते हैं यानी कि अगली लाइन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हम कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे। उसके लिए आपके ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एंटर, शिफ्ट प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर और नन ऑफ दिस। लाइन ब्रेकिंग के लिए हम जो शॉर्टकट की प्रेस करेंगे वो है शिफ्ट प्लस एंटर, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन, शिफ्ट प्लस एंटर। अगर यहाँ पर लाइन ब्रेक की जगह पूछ लेते पेज ब्रेक के लिए कौन सी शॉर्टकट ब्रेक की प्रेस करेंगे, उसका आंसर होगा कंट्रोल प्लस एंटर। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करेंगे तो पेज ब्रेक होगा, अगर हम शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करेंगे तो लाइन ब्रेक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थेसारस टूल इन एमएस वर्ड इज यूज्ड फॉर। एमएस वर्ड में जो एक थेसारस टूल है ये किसके लिए यूज़ किया जाता है। आपके ऑप्शन है स्पेलिंग सजेशंस, ग्रामर ऑप्शंस, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स वर्ड्स और ऑल ऑफ दिस। जो एमएस वर्ड में थे सारे टूल हैं ये यूज़ होते हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम वर्ड्स के लिए, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15th नंबर क्वेश्चन, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, इम्बोस, इनग्रेव आर नोन एज। जो सुपरस्क्रिप्ट हैं मैंने आपको ऊपर बताया सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, सबस्क्रिप्ट बताया, आउटलाइन, इम्बोस, इनग्रेव, ये किसको कहा जाता है यानी कि ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये सारे के सारे सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, इम्बोस, आउटलाइन, इंग्रेव, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं फॉन्ट इफेक्ट के, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन, फॉन्ट इफेक्ट्स। आई होप आपने सही अटैम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16th नंबर क्वेश्चन, विच फीचर हेल्प्स यू टू इंसर्ट द कंटेंट्स ऑफ द क्लिप बोर्ड एज अ टेक्स्ट विदाउट एनी फॉर्मेटिंग। अगर हम कुछ भी इंसर्ट करना चाहते हैं क्लिप बोर्ड में विदाउट एनी फॉर्मेटिंग, कोई भी फॉर्मेटिंग करें बिना, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हेल्प मिलती है हमें। आपके ऑप्शन है पे सेटअप, फॉर्मेट प्रिंटर, पेस्ट स्पेशल और स्टाइल। इस फीचर के लिए जो हमारी हेल्प करता है वो करता है पेस्ट स्पेशल, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन, पेस्ट स्पेशल। आई होप आपने सही अटैम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17th नंबर क्वेश्चन, बैकग्राउंड कलर और इफेक्ट्स ऑन अ डॉक्यूमेंट इज विजिबल नॉट इन। यानी कि जो बैकग्राउंड कलर होता है या कोई इफेक्ट होते हैं वो विजिबल नहीं होते हैं किस कंडीशन में। आपके ऑप्शन है रीडिंग व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू, वेब लेआउट व्यू और प्रिंट प्रीव्यू। जो बैकग्राउंड कलर और इफेक्ट होते हैं ये व्यू नहीं होते हैं, विजिबल नहीं होते हैं प्रिंट प्रीव्यू पर, जब हम प्रिंट प्रीव्यू करते हैं तो ये विजिबल नहीं होते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा डी ऑप्शन, प्रिंट प्रीव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच शॉर्टकट की इज़ यूज्ड फॉर मैनुअल लाइन ब्रेक। अगर हम मैनुअल लाइन ब्रेक करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे। आपके ऑप्शन है शिफ्ट प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस साइन और नन ऑफ दिस। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, बट यहाँ पर इन्होंने मैनुअल एक एक्स्ट्रा वर्ड डाला है, बट इसका कोई मतलब नहीं है। लाइन ब्रेकिंग के लिए हम सेम शॉर्टकट की यूज़ करेंगे शिफ्ट प्लस एंटर, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन, शिफ्ट प्लस एंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19th नंबर क्वेश्चन, इंसर्ट डेट, फॉर्मेट पेज नंबर एंड इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट आर बटन्स ऑन द डैश टूल बार। जो इंसर्ट डेट, फॉर्मेट पेज नंबर और इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट, ये बटन कौन सी टूल बार पे होते हैं। आपके ऑप्शन है फॉर्मेटिंग टूल बार, एडिट टूल बार, हेडर एंड फुटर टूल बार और स्टैंडर्ड टूल बार। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। जो ये सारे बटन्स होते हैं ये होते हैं हेडर एंड फुटर टूल बार पर, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन, हेडर एंड फुटर टूल बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20th नंबर क्वेश्चन, द वर्ड रैप फीचर इन एमएस वर्ड। जो एक फीचर होती है एमएस वर्ड में वर्ड रैप, ये किसके लिए यूज़ होती है। आपके ऑप्शन है ऑटोमेटिकली मूव्स टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन नेसेसरी, अलाउज यू टू टाइप ओवर द टेक्स्ट, थर्ड ऑप्शन है सेव्स द डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली और लास्ट ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दिस। जो एमएस वर्ड में वर्ड रैप की ऑप्शन होती है, फीचर होती है, ये यूज़ होती है ऑटोमेटिकली मूव्स द टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन नेसेसरी। मान लीजिए एक लाइन फिल हो जाती है, जैसे इसी को मान लीजिए, अगर ये लाइन फिल हुई है तो नेक्स्ट लाइन में आया है टेक्स्ट जो लिखा है मैंने, यानी कि जब एक लाइन फिल हो जाती है पूरे टेक्स्ट से तो नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो जाती है। ये फीचर ये काम करती है वर्ड रैप एमएस वर्ड में, याद रखिए। ये क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा, सो याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21st नंबर क्वेश्चन, इन एमएस वर्ड टू कट समथिंग टू द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज्ड। अगर हम किसी चीज़ को कट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे। आपके ऑप्शन हैं कंट्रोल प्लस सी,
कंट्रोल प्लस एक्स और कंट्रोल प्लस वी और नन ऑफ दीज। कट समथिंग के लिए हम जो शॉर्टकट की प्रेस करते हैं वो है कंट्रोल प्लस एक्स, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन कंट्रोल प्लस एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22nd नंबर क्वेश्चन। इन एमएस वर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जेड इज यूज्ड फॉर। कंट्रोल प्लस जेड जो शॉर्टकट की है ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं? आपके ऑप्शन हैं अंडू समथिंग, डिलीट समथिंग, पेस्ट समथिंग और नन ऑफ दीज। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। जो ये कंट्रोल प्लस जेड है ये शॉर्टकट की प्रेस करते हैं हम अंडू समथिंग के लिए, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन अंडू समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23rd नंबर क्वेश्चन। इन एमएस वर्ड शॉर्टकट की डिलीट इज यूज्ड फॉर। अगर हम डिलीट शॉर्टकट की यूज़ करते हैं तो उसके जो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें? अंडू समथिंग, डिलीट समथिंग, पेस्ट समथिंग, नन ऑफ दिस। अगर हम डिलीट जो शॉर्टकट की है वो प्रेस करेंगे तो जो भी हम डिलीट करना चाहते हैं वो डिलीट हो जाएगा, यानी कि डिलीट समथिंग इसका राइट आंसर रहेगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24th नंबर क्वेश्चन। अ प्रोग्राम विच हेल्प्स टू क्रिएट रिटन डॉक्यूमेंट एंड लेट्स यू गो बैक एंड मेक करेक्शंस एज नेसेसरी। एक प्रोग्राम में कौन सा हमारी हेल्प करता है टू क्रिएट रिटन डॉक्यूमेंट एंड लेट्स गो बैक एंड मेक करेक्शंस एज नेसेसरी। अगर हम किसी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना चाहते हैं और उसमें कोई करेक्शन करना चाहते हैं जो नेसेसरी हो, कौन हेल्प करता है हमारी इस प्रोसेस के लिए? आपके ऑप्शन हैं होम, रो कीज़, टूल बार, स्प्रेडशीट और वर्ड प्रोसेसर। ये प्रोग्राम है वर्ड प्रोसेसर, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा डी ऑप्शन वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे डॉक्यूमेंट क्रिएट किए हुए हैं उनको करेक्ट भी करता है, यानी कि करेक्शन कर सकते हैं हम नए भी इसमें डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ये सारे काम करता है वर्ड प्रोसेसर, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा डी ऑप्शन वर्ड प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25th नंबर क्वेश्चन। ग्राफिक्स फॉर वर्ड प्रोसेसर, जो ग्राफिक्स यूज़ होते हैं वर्ड प्रोसेसर में ये किसके लिए यूज होते हैं, यानी कि किस में यूज़ होते हैं? आपके ऑप्शन है पेरिफेरल, क्लिप आर्ट, हाईलाइट, एग्जीक्यूट। जो वर्ड प्रोसेसर में ग्राफिक्स यूज़ होते हैं ये होते हैं क्लिप आर्ट में, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन क्लिप आर्ट। ये लोकेटेड होते हैं क्लिप आर्ट में, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन क्लिप आर्ट। आई होप आपने सही अटेम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26th नंबर क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग लेटर्स, पेपर्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। कौन सी टाइप का सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है फॉर क्रिएटिंग लेटर्स, पेपर्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स के लिए? आपके ऑप्शन है डाटाबेस, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम कोई लेटर्स पेपर्स क्रिएट करना चाहते हैं और डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना चाहते हैं उसके लिए भी हम सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे वर्ड प्रोसेसर, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन वर्ड प्रोसेसर। आई होप आपने सही अटेम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27th नंबर क्वेश्चन। व्हाट डज द कंट्रोल प्लस आई शॉर्टकट की अकम्प्लिश इन एम एस वर्ड। अगर हम इन्होंने पूछा है अगर हम कंट्रोल प्लस आई शॉर्टकट की प्रेस करते हैं तो क्या होगा उससे? आपके ऑप्शन है इट कन्वर्ट्स सिलेक्टेड टेक्स्ट इनटू द नेक्स्ट लार्जेस्ट साइज ऑफ द सेम फॉन्ट, इट एड्स अ लाइन ब्रेकिंग टू द डॉक्यूमेंट, इट मेक्स द सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड, और लास्ट ऑप्शन है इट अप्लाइज इटैलिक फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट सिलेक्टेड। जो टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है उसको इटैलिक फॉर्मेटिंग में लाएगा, और सी ऑप्शन है जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है उसको बोल्ड कर देगा यानी कि डार्क कर देगा, और बी ऑप्शन है लाइन ब्रेक कर देगा, और फर्स्ट ऑप्शन है हमारा नेक्स्ट लार्जर साइज में ले आएगा सेम फॉन्ट में। जो ये कंट्रोल प्लस आई है ये यूज़ होती है शॉर्टकट की, इट अप्लाइज इटैलिक फॉर्मेटिंग द सिलेक्टेड टेक्स्ट, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा डी ऑप्शन इट अप्लाइज इटैलिक फॉर्मेटिंग द सिलेक्टेड टेक्स्ट, यानी कि जो भी हमने सेलेक्ट किया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए हमने डी ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है, जब हम कंट्रोल प्लस आई प्रेस करेंगे तो ये टेढ़े से हो जाएंगे, यानी कि इस टाइप के हो जाएंगे अक्षर जो लिखे हुए होते हैं हमारे, यानी कि इटैलिक हो जाएंगे सभी के सभी जो हमारे वर्ड हैं, ये इस टाइप के होते हैं कंट्रोल प्लस आई जो प्रेस करते हैं हम। आई होप आपने सही अटैम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28th नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एमएस वर्ड 2003 डॉक्यूमेंट। एमएस वर्ड 2003 में कौन सी एक्सटेंशन है एमएस वर्ड की जो यूज़ होती है डॉक्यूमेंट के लिए? आपके ऑप्शन है डॉट डॉट, डॉट डॉक, डॉट डॉम, डॉट टेक्स्ट। जो 2003 की एक्सटेंशन है वो है डॉट डॉक, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन डॉट 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 डॉक सॉरी। यहाँ पर डॉट डॉक ना पूछकर यहाँ पर पूछ लेते 2007 के लिए कौन सी एक्सटेंशन है, उसका आंसर क्या होता? उसका आंसर होता डॉट डॉक्स, यानी कि एक्स है जो ये एक एक्स्ट्रा ऐड हुआ है 2007 के वर्जन में, इसलिए
इसलिए ये भी याद रखिए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है। डॉट डॉक्स है 2007 के लिए, 2003 के लिए है डॉट डॉक, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29th नंबर क्वेश्चन, वाई आर हेडर्स एंड फुटर्स यूज इन डॉक्यूमेंट। किसी भी डॉक्यूमेंट में हम हेडर्स एंड फुटर्स क्यों यूज़ करते हैं? आपके ऑप्शन है टू इनहांस द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट, बी ऑप्शन है टू मार्क द स्टार्टिंग एंड एंडिंग ए पेज, टू मार्क लार्ज डॉक्यूमेंट मोर रीडेबल, टू अलाउ पेज हेडर्स एंड फुटर्स टू अपीयर ऑन डॉक्यूमेंट व्हेन इट इज़ प्रिंटेड। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ए बी सी डी। जो हेडर एंड फुटर्स यूज़ होते हैं डॉक्यूमेंट में, ये यूज़ होते हैं टू अलाउ पेजर हेडर्स एंड फुटर्स टू अपीयर डॉक्यूमेंट व्हेन इट इज़ प्रिंटेड, जब हम प्रिंट करते हैं उस पेज को, पर्टिकुलर पेज को हेडर एंड फुटर से डिनोट किया जाता है, अलाउ करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक प्रिंट होगा, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज टू चेक स्पेलिंग। ये तो सुपर इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में ये पूछा जाता है, सो याद रखिए चेक स्पेलिंग के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, F1, F2, F7, F9। स्पेलिंग चेकिंग के लिए हम जो शॉर्टकट की प्रेस करते हैं वो है F7, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन F7। सुपर इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर देखे जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 31st नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज कंट्रोल प्लस बी शॉर्टकट की अकम्पलिश इन एम एस वर्ड। अगर हम कंट्रोल प्लस बी शॉर्टकट की प्रेस करते हैं तो क्या होगा उससे? आपके ऑप्शन है इट कन्वर्ट्स सेलेक्टेड टेक्स्ट इनटू द नेक्स्ट लार्जर साइज ऑफ द सेम फॉन्ट, इट एड्स अ लाइन ब्रेक टू द डॉक्यूमेंट, इट मेक्स द टेक्स्ट बोल्ड, इट अपीयर्स इटैलिक फॉर्मेटिंग द सेलेक्टेड टेक्स्ट। कंट्रोल प्लस बी से क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। कंट्रोल प्लस बी से होगा बोल्ड, जो भी सिलेक्ट किया हुआ है हमने उसको हम बोल्ड करना चाहते हैं तो हम शॉर्टकट की प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस बी, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन, इट मेक्स द सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड। जब हम कंट्रोल प्लस बी प्रेस करेंगे जितना भी हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है वो बोल्ड हो जाएगा, यानी कि डार्क हो जाएगा बहुत ज़्यादा, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन, इट मेक्स द सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 32nd नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स दैट अ वर्ड टेबल कैन हैव। एक वर्ड टेबल में कितने मिनिमम नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स होते हैं? आपके ऑप्शन हैं 0, 2 रोज एंड 1 कॉलम, 2 रोज एंड 2 कॉलम, 1 रो एंड 1 कॉलम। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। एक वर्ड टेबल में जो मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम, रो और कॉलम होते हैं वो होते हैं 1 रो एंड 1 कॉलम, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा डी ऑप्शन 1 रो एंड 1 कॉलम। ये क्वेश्चन भी सुपर इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में देखा जा चुका है आज से पहले, सो याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन, इन एमएस वर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस आर इज़ यूज्ड फॉर। अगर हम एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस आर प्रेस करते हैं तो क्या होता है उससे? आपके ऑप्शन है अलाइंस द लाइन और सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन, अलाइंस द लाइन और सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द राइट ऑफ द स्क्रीन, और सी ऑप्शन है क्लोज द करंट विंडो, और लास्ट ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दिस। जल्दी से बताइए, जो ये कंट्रोल प्लस आर हम यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं बी ऑप्शन, अलाइंस द लाइन और सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द राइट ऑफ द स्क्रीन। अगर हम कोई भी टेक्स्ट को राइट ऑफ द स्क्रीन पर ले जाना चाहते हैं, यानी कि हम चाहते हैं लेफ्ट पर कुछ भी ना लिखा जाए, राइट पर ही लिखा जाए जो कुछ भी लिखना है, उसके लिए हम शॉर्टकट की प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस आर, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन, अलाइंस द लाइन और सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द राइट ऑफ द स्क्रीन। आई होप आपने सही अटैम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 34th नंबर क्वेश्चन, इन एमएस वर्ड यानी कि एमएस वर्ड में शॉर्टकट की हम अगर प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस डब्ल्यू तो उसे क्या होगा? आपके ऑप्शन है ओपन द प्रिंट डायलॉग बॉक्स, अपडेट द करंट वेब पेज, क्लोज द करंट विंडो, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से क्या होगा? जो भी हमारी करंट विंडो ओपन होगी उसको क्लोज कर देगा कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन, क्लोज द करंट विंडो, इसलिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। आई होप आपने सही अटैम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 35th नंबर क्वेश्चन, इन एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सिस्टम टू कॉपी समथिंग द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड। कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे हम अगर एमएस वर्ड में कोई भी चीज़ कॉपी करना चाहते हैं सेलेक्ट करने के बाद? पहले तो हमें सेलेक्ट तो करना ही पड़ेगा, उसके बाद हम कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे जिससे जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है वो कॉपी हो जाएगा? आपके ऑप्शन है कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस वी, और नन ऑफ दिस। जल्दी से बताइए, जो कॉपी के लिए शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस सी, बिल्कुल इजी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस सी, सी से कॉपी,
इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन कंट्रोल प्लस सी। आई होप आपने सही अटैम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर क्वेश्चन। इन एम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस डिलीट इज यूज फॉर। एम एस वर्ड में हम शिफ्ट प्लस डिलीट जो शॉर्टकट की है ये यूज़ करते हैं तो क्या होता है इससे। आपके ऑप्शन है डिलीट द सिलेक्टेड आइटम परमानेंटली विदाउट प्लेसिंग द आइटम इन द रिसाइकल बिन, कॉपी द सिलेक्टेड आइटम, रीनेम द सिलेक्टेड आइटम, क्रिएट अ शॉर्टकट टू द सिलेक्टेड आइटम। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। शिफ्ट प्लस डिलीट से क्या होगा? शिफ्ट प्लस डिलीट से होगा डिलीट द सिलेक्टेड आइटम परमानेंटली विदाउट प्लेसिंग द आइटम इन द रिसाइकल बिन, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन। आप सभी को पता ही है जब हम कोई भी चीज़ कंप्यूटर में से डिलीट करते हैं तो उसके बाद वो जाती है रिसाइकल बिन में, बट अगर हम शिफ्ट प्लस डिलीट को प्रेस करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में जाए बिना ही परमानेंट डिलीट हो जाएगी। इसके लिए हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं शिफ्ट प्लस डिलीट, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस वाई वाइल ड्रैगिंग एन आइटम, कंट्रोल प्लस वाई हम किसके लिए यूज़ करेंगे? आपके ऑप्शन है डिलीट द सिलेक्टेड आइटम परमानेंटली विदाउट प्लेसिंग, ये तो मैंने बता ही दिया आपको, ये तो हो ही नहीं सकता कभी भी, क्योंकि इसके लिए तो शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस डिलीट, ये तो हो नहीं सकता, ये तो ए ऑप्शन तो क्रैक ही हो गया। उसके बाद बी ऑप्शन रिडू समथिंग, रीनेम द सिलेक्टेड आइटम, क्रिएट आ शॉर्टकट टू द सिलेक्टेड आइटम, तीनों में से बताइए कौन सा आंसर होगा जब अगर हम कंट्रोल प्लस वाई प्रेस करते हैं। कंट्रोल प्लस वाई से क्या होगा? कंट्रोल प्लस वाई से होगा रिड्यू समथिंग, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन रिड्यू समथिंग। आई होप आपने सही अटैम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट एमएस ऑफिस? काफ़ी स्टूडेंट्स में इस क्वेश्चन को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन थी कि एमएस ऑफिस का फर्स्ट वर्जन कौन सा था। काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझसे कमेंट में बॉक्स में पूछा भी था कि सर बताइए कौन सा है एमएस ऑफिस का फर्स्ट वर्जन। आपके ऑप्शन हैं एमएस ऑफिस 1999, 1990, 1991 और 1992। कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको किसी को पता है एमएस ऑफिस का कौन सा वर्जन सबसे पुराना है, सबसे पहला वर्जन है। एमएस ऑफिस का जो सबसे पुराना वर्जन है, फर्स्ट वर्जन है, वो है एमएस ऑफिस 1992, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा डी ऑप्शन एमएस ऑफिस 1992, 1992 वाला वर्जन है जो एमएस ऑफिस का सबसे पुराना है, सबसे पहले वाला वर्जन है। याद रखिए, कई बार क्या होता है बेसिक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, सो याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 39 नंबर क्वेश्चन। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टू डिलीट द सिलेक्टेड आइटम परमानेंटली विदाउट प्लेसिंग द आइटम इन द रिसाइकल बिन, अगर हम, मैंने आपको ऊपर बताया ही है कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे हम अगर हम किसी भी चीज़ को डिलीट करना चाहते हैं परमानेंटली विदाउट प्लेसिंग इन द रिसाइकल बिन, उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, ये तो मैंने ऊपर आपको बताया ही है। इसके लिए हम शॉर्टकट की प्रेस करेंगे शिफ्ट प्लस डिलीट, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन शिफ्ट प्लस डिलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मूव द इंसर्शन पॉइंट टू द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट वर्ड, हम कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे अगर हम जाना चाहते हैं बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट वर्ड, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए लिखा हुआ है बिगनिंग से हम जाना चाहते हैं यहाँ पर दागे आगे आना चाहते हैं यानी कि टी के आगे आना चाहते हैं, तो हम कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे? आपके ऑप्शन है कंट्रोल प्लस राइट एरो, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, कंट्रोल प्लस डाउन एरो और नन ऑफ दिस। जल्दी से बताइए अगर आपको पता है इस क्वेश्चन का आंसर, अगर हम जाना चाहते हैं बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट वर्ड, इसका जो राइट आंसर है वो है शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस राइट एरो। अगर हम कंट्रोल प्लस राइट एरो प्रेस करेंगे तो जो हमारा नेक्स्ट वर्ड होगा, जो हमारा ब्लिंकर है, वो नेक्स्ट वर्ड के फर्स्ट प्लेस पर ब्लिंक करने लग जाएगा, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा कंट्रोल प्लस राइट एरो। आई होप आपने सही अटैम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 41 नंबर क्वेश्चन। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मूव द इंसर्शन पॉइंट टू द बिगनिंग ऑफ द प्रीवियस वर्ड, यहाँ पर तो बात थी नेक्स्ट वर्ड की, अब बात है प्रीवियस वर्ड की। हम अगर प्रीवियस वर्ड पर के स्टार्टिंग पॉइंट पर जाना चाहते हैं तो हम कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे? आपके ऑप्शन है कंट्रोल प्लस राइट एरो, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, कंट्रोल प्लस डाउन एरो और नन ऑफ दिस। फर्स्ट ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि राइट एरो तो करता है आगे वाले वर्ड के नेक्स्ट वर्ड पर ब्लिंक करता है, नेक्स्ट वर्ड के स्टार्टिंग पॉइंट पर, इसलिए ए पॉइंट तो जो हमारा ऑप्शन है ये तो हो ही नहीं सकता। इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, इससे जो ब्लिंकर है हमारा प्रीवियस वर्ड है उसके फर्स्ट पॉइंट पर ब्लिंक करने लग जाएगा हमारा जो ब्लिंकर है, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो।
आई होप आपने सही अटैम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 42nd नंबर क्वेश्चन। इन एम एस वर्ड मूव द असर्शन पॉइंटर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट पैराग्राफ। अगर हम बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट पैराग्राफ जानना चाहते हैं, उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे? आपके ऑप्शन है कंट्रोल प्लस डाउन एरो, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, कंट्रोल प्लस राइट एरो और नन ऑफ दिस। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अगर हम नेक्स्ट पैराग्राफ के बिगिनिंग पर जाना चाहते हैं, यानी कि स्टार्टिंग पर जाना चाहते हैं, उसके लिए जो हमारी शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस डाउन एरो। इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा कंट्रोल प्लस डाउन एरो। कई बार क्या होता है, आप पैरो भी दिया हुआ था है ऑप्शन में, बट इन्होंने बोला है नेक्स्ट पैराग्राफ। अगर बोलते ये प्रीवियस पैराग्राफ, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, दिखा देता हूँ मैं आपको। 43rd नंबर क्वेश्चन, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मूव द असर्शन पॉइंटर टू द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस पैराग्राफ। यहाँ तो बात थी नेक्स्ट पैराग्राफ की, यहाँ पर बात है प्रीवियस पैराग्राफ की। अगर हम प्रीवियस पैराग्राफ पर जाना चाहते हैं, उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे? आपके ऑप्शन है कंट्रोल प्लस राइट एरो, कंट्रोल प्लस डाउन एरो, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, कंट्रोल प्लस अप एरो। अगर हम प्रीवियस पैराग्राफ के स्टार्टिंग पॉइंट पर जाना चाहते हैं, उसके लिए हम शॉर्टकट की प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस अप एरो। इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा डी ऑप्शन, कंट्रोल प्लस अप एरो। आई होप आपने सही अटैम्प्ट किया होगा और आपको समझ आ गया होगा ये क्या कहना चाहते हैं दोनों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 44th नंबर क्वेश्चन, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मूव द इंसर्शन पॉइंट टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। अगर हम बिगिनिंग ऑफ द लाइन पर जाना चाहते हैं, तो हम कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे? इनका कहने का मतलब है फर्स्ट पेज की फर्स्ट लाइन पर, उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे? कंट्रोल प्लस राइट एरो, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, कंट्रोल प्लस डाउन एरो, कंट्रोल प्लस होम। जल्दी से बताइए अगर आपको क्वेश्चन का इसका आंसर मालूम है। इसका जो राइट आंसर है वो है कंट्रोल प्लस होम। अगर हम कंट्रोल प्लस होम प्रेस करेंगे, तो हमारा जो ब्लिंकर है वो फर्स्ट पेज के फर्स्ट पॉइंट पर जा खड़ा होगा। हमारा जो ब्लिंकर है, यानी कि फर्स्ट लाइन के फर्स्ट पॉइंट पर जाएगा हमारा जो ब्लिंकर है। इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा डी ऑप्शन, कंट्रोल प्लस होम। आई होप आपने सही अटैम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 45th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग एम एस वर्ड। कौन सा ऑर्डर है जो बिल्कुल सही है अगर हम एम एस वर्ड को स्टार्ट करना चाहते हैं? आपके ऑप्शन है क्लिक स्टार्ट ऑल प्रोग्राम एम एस ऑफिस एम एस वर्ड, और बी ऑप्शन है क्लिक स्टार्ट ऑल प्रोग्राम एम एस एक्सेल एम एस वर्ड, सी ऑप्शन है क्लिक स्टार्ट विंडोज एम एस ऑफिस एम एस वर्ड, डी ऑप्शन है लास्ट ऑप्शन हमारा विंडोज एंटर एम एस ऑफिस एम एस वर्ड। अगर हम एम एस वर्ड को स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए जो सही प्रोसेस है, यानी कि करेक्ट ऑर्डर है, वो है ए ऑप्शन में। सबसे पहले हम प्रेस करेंगे, यानी कि स्टार्ट करेंगे, क्लिक स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ऑल प्रोग्राम पर, उसके बाद एम एस ऑफिस पर, उसके बाद हम प्रेस करेंगे एम एस वर्ड। इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन, क्लिक स्टार्ट ऑल प्रोग्राम एम एस ऑफिस एम एस वर्ड। एम एस वर्ड को स्टार्ट करने के लिए एक और प्रोसीजर भी है, उसका नाम है विन वर्ड और विन वर्ड ई एक्स ई। इसको प्रेस करने के बाद भी हम एम एस वर्ड को ओपन कर सकते हैं। सो याद रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल इज यूज टू ओपन एम एस वर्ड। कौन सी फाइल है जो यूज़ की जाती है एम एस वर्ड को ओपन करने के लिए? आपके ऑप्शन है विन वर्ड डॉट ई एक्स ई, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज। जो एम एस वर्ड को ओपन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए जो फाइल यूज़ की जाती है वो है बोथ ए एंड बी, विन वर्ड और विन वर्ड ई एक्स ई, दोनों ही फाइल हैं यूज़ की जाती हैं एम एस वर्ड को ओपन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। आई होप आपने सही अटैम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 47th नंबर क्वेश्चन, इन एम एस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ए। जब हम कंट्रोल प्लस ए प्रेस करते हैं, तो उसे क्या होता है कंट्रोल प्लस ए प्रेस करने के बाद? आपके ऑप्शन है सेलेक्ट ऑल, हाईलाइट अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, डिलीट समथिंग, पेस्ट समथिंग। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कंट्रोल प्लस ए से क्या होगा? जब हम एम एस वर्ड में कंट्रोल प्लस ए प्रेस करते हैं, तो जो भी डॉक्यूमेंट होता है, क्रिएट होता है, क्या होता है, वो सारा कुछ सिलेक्ट हो जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा सेलेक्ट ऑल, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। चाहे जितना भी बड़ा डॉक्यूमेंट हो, जब हम कंट्रोल प्लस ए प्रेस कर देते हैं, तो सारा का सारा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाता है। इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन, सेलेक्ट ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 48th नंबर क्वेश्चन, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट फॉर पेस्ट।
इज़, अगर हम कॉपी किया हुआ पेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे? आपके ऑप्शन हैं कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस वी और नन ऑफ दीज। जल्दी से बताइए अगर आपको पता है। अगर हम किसी कॉपी किए हुए को पेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम शॉर्टकट की प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस वी, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन, कंट्रोल प्लस वी। अगर पूछा जाए कॉपी के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा कंट्रोल प्लस सी। दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आ गई बात कॉपी की। कॉपी के लिए मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, वो करेंगे कंट्रोल प्लस सी, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन, कंट्रोल प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 50th नंबर क्वेश्चन। इन एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टू पेस्ट समथिंग आफ्टर कटिंग। यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल सेम है बट लैंग्वेज डिफरेंट है। यहाँ पर बात की गई है एमएस वर्ड में अगर हम पेस्ट करना चाहते हैं कटिंग करने के बाद, अगर हम मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लिए, यानी कि एमएस वर्ड को पूरा सेलेक्ट कर लिया, अगर हमें यहाँ इसको रिप्लेस करना है, किसी और चीज़ को पेस्ट करना है यहाँ पर, तो हम कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे? उसके लिए भी अगेन हम शॉर्टकट की प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस वी, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन, कंट्रोल प्लस वी। आई होप आपने सही अटेम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 51st नंबर क्वेश्चन। इन एमएस वर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एस इज यूज्ड फॉर। एमएस वर्ड में हम जो कंट्रोल प्लस एच है ये शॉर्टकट की किसके लिए यूज़ करते हैं? आपके ऑप्शन हैं रिप्लेस, पेस्ट, कॉपी और नन ऑफ दिस। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, कंट्रोल प्लस एच से क्या होता है एमएस वर्ड में? जो जब हम कंट्रोल प्लस एच दबाते हैं शॉर्टकट की, इससे होता है रिप्लेस, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन, रिप्लेस। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में देखा जा चुका है, IBPS स्टेट एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। सो याद रखिए कंट्रोल प्लस एच यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ को रिप्लेस करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52nd नंबर क्वेश्चन। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट की यूज्ड फॉर कंट्रोल प्लस एफ अगर हम यूज़ करते हैं तो उसे क्या होगा? आपके ऑप्शन है फाइंड, सर्च, अंडरलाइन और इटैलिक। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कंट्रोल प्लस एफ का जो राइट आंसर है वो है फाइंड। अगर हम किसी चीज़ को फाइंड करना चाहते हैं उसके लिए हम शॉर्टकट की प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस एफ, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन, फाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 53rd नंबर क्वेश्चन। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट की यूज्ड कंट्रोल प्लस ई, अगर हम कंट्रोल प्लस ई शॉर्टकट की प्रेस करते हैं तो उससे क्या होगा? आपके ऑप्शन है ओपन द ऑर्गेनाइज फेवरेट्स डायलॉग बॉक्स, अलाइन द सेंटर, स्टार्ट द फाइंड यूटिलिटी, ओपन द हिस्ट्री बार। जब हम कंट्रोल प्लस ई है जो शॉर्टकट की प्रेस करते हैं तो उससे क्या होगा? अलाइनमेंट ऑफ द सेंटर, जो भी अलाइनमेंट की होगी वो सेंटर के लिए अलाइन हो जाएगी, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा अलाइनमेंट फॉर सेंटर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में देखा जा चुका है। सो याद रखिए कंट्रोल प्लस ई यूज़ होती है अलाइनमेंट फॉर सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 54th नंबर क्वेश्चन। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर कंट्रोल प्लस एफ, अगर हम कोई जो ये ऑप्शन है जे कंट्रोल प्लस एफ ये दबाते हैं तो इसे क्या होगा? आपके ऑप्शन है कंट्रोल द ओपन द ऑर्गेनाइज द फेवरेट्स डायलॉग बॉक्स, ओपन द सर्च बार, स्टार्ट द फाइंड यूटिलिटी, ओपन द हिस्ट्री बार। ये क्वेश्चन आपके लिए है, मैं इसका राइट आंसर आपको नहीं बताऊंगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपने बताना है। अगर हम कंट्रोल प्लस एफ दबाते हैं तो उसे क्या होगा? आपके ऑप्शन है ओपन द ऑर्गेनाइज फेवरेट्स डायलॉग बॉक्स, ओपन द सर्च बार, सर्च द फाइंड यूटिलिटी और डी ऑप्शन है लास्ट ऑप्शन हमारा ओपन द हिस्ट्री बार। आई होप आप इस क्वेश्चन को जरूर अटैम्प्ट करेंगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55th नंबर क्वेश्चन। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस डी इज़ यूज्ड फॉर, अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट की प्रेस करते हैं उससे क्या होगा? आपके ऑप्शन है ओपन द ऑर्गेनाइज फेवरेट्स डायलॉग बॉक्स, ओपन द सर्च बार, ओपन द फाइंड यूटिलिटी, ओपन द फॉन्ट बॉक्स। अगर हम कंट्रोल प्लस डी प्रेस करते हैं जो हमारा फॉन्ट बॉक्स है वो ओपन हो जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा डी ऑप्शन, ओपन द फॉन्ट बॉक्स। और फॉन्ट जैसे कि कैलिबरी होता है, अगर पूछा जाए बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा फॉन्ट होता है उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा कैलिबरी। कैलिबरी जो फॉन्ट होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है। अगर हम कंट्रोल प्लस डी प्रेस करेंगे तो ओपन द फॉन्ट बॉक्स, यानी कि ओपन हो जाएगा फॉन्ट बॉक्स, हम चेंज कर सकते हैं उसके बाद, कोई भी फॉन्ट हम सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 56th नंबर क्वेश्चन। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट की इज यूज्ड कंट्रोल प्लस F2, अगर हम कंट्रोल प्लस F2 की प्रेस करते हैं तो उससे क्या होगा? आपके ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू, बी ऑप्शन है ओपन द डायलॉग बॉक्स, सी ऑप्शन है स्टार्ट अनदर इंस्टेंस फॉर
द ब्राउजर विद द सेम वेब एड्रेस, डी ऑप्शन है ओपन द ओपन डायलॉग बॉक्स द सेम एज कंट्रोल प्लस एल। अगर हम कंट्रोल प्लस F2 शॉर्टकट की प्रेस करते हैं उससे क्या होगा, उससे होगा प्रिंट प्रीव्यू, हमें शो कर देगा प्रिंट प्रीव्यू, इसलिए हमारा एड्रेस बनेगा ए ऑप्शन प्रिंट प्रीव्यू। अगर यहाँ पर कह देते कंट्रोल प्लस P से क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा ओनली प्रिंट। अगर हम किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं तो हम शॉर्टकट की प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस P। अगर हम प्रिंट प्रीव्यू करना चाहते हैं यानी कि हम देखना चाहते हैं कहीं साइड से हमारा प्रिंट कट तो नहीं रहा, यानी कि हमारा प्रिंट बिल्कुल सही आ रहा है, उससे पहले हम प्रिंट प्रीव्यू करते हैं ताकि हमें पता लग सके कि हमारा प्रिंट किसी साइड से कट तो नहीं रहा, सही प्रिंट आ रहा है, इसलिए हम प्रिंट प्रीव्यू करते हैं उससे पहले, प्रिंट के पहले। आई होप आपने सही अटेम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 57th नंबर क्वेश्चन। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एल इज़ यूज फॉर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम अगर कंट्रोल प्लस एल यूज़ करते हैं किसके लिए यूज़ करते हैं ये शॉर्टकट की, आपके ऑप्शन है ओपन द फेवरेट्स बार, ओपन द ओपन डायलॉग बॉक्स लेफ्ट अलाइनमेंट, ओपन द ओपन डायलॉग बॉक्स द सेम एज कंट्रोल प्लस एल। कंट्रोल प्लस एल से क्या होगा, कंट्रोल प्लस एल से होगा लेफ्ट अलाइनमेंट, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन लेफ्ट अलाइनमेंट। जब हम लेफ्ट अलाइनमेंट करना चाहते हैं उसके लिए हम शॉर्टकट की प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस एल। आई होप आपने सही अटेम्प्ट किया होगा, इसका आंसर है राइट सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 58th नंबर क्वेश्चन। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट की इज़ यूज्ड कंट्रोल प्लस एन। अगर हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस एन तो इससे क्या होगा, आपके ऑप्शन है ओपन, सेव, न्यू, सेव एस। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस एन से होगा न्यू फाइल, यानी कि न्यू फाइल ओपन हो जाएगी कंट्रोल प्लस एन से, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन न्यू फाइल। आई होप आपने सही अटेम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59th नंबर क्वेश्चन। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ओ इज़ यूज फॉर। अगर हम कंट्रोल प्लस ओ शॉर्टकट की यूज़ करते हैं तो क्या होता है, आपके ऑप्शन है ओपन द फेवरेट्स बार, ओपन द सेव डायलॉग बॉक्स, स्टार्ट अनदर इंस्टेंस ऑफ द ब्राउजर विद द सेम वेब एड्रेस, और लास्ट ऑप्शन है ओपन द ओपन डायलॉग बॉक्स। जल्दी से आंसर बताइए अगर आपको पता है। अगर हम कंट्रोल प्लस ओ प्रेस करते हैं इससे जो हमारा डायलॉग बॉक्स होता है वो ओपन हो जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा डी ऑप्शन ओपन द ओपन डायलॉग बॉक्स। आई होप आपने सही अटेम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज के सेशन का, 60th नंबर क्वेश्चन। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस P इज़ यूज्ड फॉर। अगर हम शॉर्टकट की दबाते हैं कंट्रोल प्लस P तो उसे क्या होगा, आपके ऑप्शन है ओपन द प्रिंट डायलॉग बॉक्स, अपडेट द करंट वेब पेज, क्लोज द करंट विंडो, नन ऑफ दिस। जल्दी से बताइए अगर आपको पता है इस क्वेश्चन का आंसर। अगर हम कंट्रोल प्लस P प्रेस करते हैं तो हमारी जो प्रिंट डायलॉग बॉक्स है तो होता है वो ओपन हो जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन ओपन द प्रिंट डायलॉग बॉक्स। सो ये थे सबसे महत्वपूर्ण 60 प्रश्न जो MS वर्ड के सबसे इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बारी ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्ज़ाम में। सो याद रखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकें। ये वीडियो सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस वीडियो सीरीज़ के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बस आपसे यही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें और अपने एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकें। मैं चाहता हूँ इस वीडियो का व्यूज़ की संख्या है जो, मैं चाहता हूँ 1 लाख से भी क्रॉस करे ये वीडियो, और लाइक 10,000 के आसपास पहुँचे इस वीडियो के, क्योंकि इस टाइप की वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है। इसलिए मेरी आपसे ज़्यादा से ज़्यादा गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकें, ताकि मैं जल्दी से जल्दी जो बचते पार्ट हैं इस सीरीज़ के जल्दी से जल्दी अपलोड कर सकूँ। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। So thanks for watching, take care, goodbye, God bless you all, keep supporting Wi-Fi education, thank you so much.